इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम। कहर कोरोना का जारी है, पॉजिटिव मरीजों की तादाद में हर रोज इजाफा, जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। आज फिर तारीखी आंकड़ा 280 रहा। आज पॉजिटिव मरीजों की तादाद 280 से ज्यादा रही, जिससे अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। पर क्या वाकई खौफ ज्यादा है अवाम? ऐसा भी सवाल सड़कों पर भीड़ देखकर आने लगता है। खैर, मरने वालों की तादाद भी काफ़ी रही, आज फिर तकरीबन 10 के करीब मौतों के अखबार है। लिहाजा आज हुकूमत की जानिब से कमिश्नर दफ्तर में मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारों की मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ, सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले साहब, बेलगाम वफ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब गफूर घी वाले, सरफराज संधी, अरशद मोमिन और दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। जनाब आसिफ राजू सेठ ने कहा कि ईद उल अजहा के मद्देनजर जो भी हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है, इस पर अमल करते हुए ईद अदा की जाएगी और ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जाएगी। वही नमाज जल्द सुबह मस्जिदों में अदा कर कुर्बानी के फराइज को भी जल्द अंजाम दे, ऐसा जनाब गफूर घी वाले व बोर्ड चेयरमैन ने कहा। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अंजुमन हॉल में कोरोना मुतासरीन के इलाज पर DC बेलगाम ने एतराज करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में अभी भी 200 से भी ज्यादा बेड है, लिहाजा कहीं पर भी इलाज करने की जरूरत नहीं है और बेलगाम जिला अस्पताल में इलाज करवाए। अब सवाल यह उठता है कि यकीनन सिविल अस्पताल में बेड खाली है और बेलगाम जिला के दिगर तालुकाओं में भी 535 बेड का इंतजाम हुकूमत की जानिब से किया गया है, पर क्या यह सच्चाई हुकूमत सेहत मोहकमा कबूल करने को तैयार है? क्या आवाम का भरोसा इन्होंने खो दिया है? तभी तो आज जिला अस्पताल बिम्स जाने से लोग कतरा रहे हैं। शहर और अतराफ में यह अफवाह फैल चुकी है कि सिविल अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं हो रहा और मौत के इम्कानात है। लिहाजा पहले भरोसा जीतने की जरूरत है, तभी तो आवाम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना मुनासिब समझ रही है बमुकाबिल सरकारी अस्पताल का रुख करने से। अब जरूरत है कि सेहत महकमा बिम्स को आवाम के भरोसे को दोबारा हासिल करने की। जाहिर है अब इसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं और बुखार टाइफाइड जैसे छोटे इलाज के लिए भी 2 लाख तक का बिल बनाया जा रहा है। जहां आवाम कारोबार नौकरियां न होने से परेशान है, वही किसी मरीज के लिए लाखों का बिल अदा करना किस कदर मुमकिन हो सकता है। लिहाजा अवाम में यह मुतालबा किया जा रहा है कि अगर किसी इदारे की जानिब से इलाज करने की पहल की जा रही है तो इजाजत दी जाए, ना कि सिविल अस्पताल ही वाहिद रास्ते पर चलने पर मजबूर न करे। अंजुमन इस्लाम बेलगाम की जानिब से एक और तारीखी इकदाम किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी जिन्हें भी महसूस होगी घर तक पहुंचकर इलाज किया जाएगा। उम्मीद यह देखा जा रहा है कि जितनी भी मौतें कोरोना मुतासरीन की हो रही हैं, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अस्पतालों में आसानी से दाखिला नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कोविड टेस्ट जरूरी है, स्वैब टेस्टिंग जरूरी है। लिहाजा इस मुश्किल को आसान करने के लिए जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुँचाने का काम अंजुमन कर रही है और आने वाले 2 दिनों में इस इकदाम को अंजाम दिया जाएगा, ऐसा सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया। इस इकदाम के लिए वाकई अंजुमन काबिले तारीफ है, जिसके लिए इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। सिविल अस्पतालों में मरीजों की ठीक से देखभाल न होने की वजह से मौतों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा जो भी सेहत मुलाजिम ठीक से काम को अंजाम नहीं दे रहे, इन पर कार्रवाई करे, ऐसा मुतालबा सुभाष नगर कमेटी और साई कमेटी की जानिब से आज DC बेलगाम को दिया गया। अगर सिविल अस्पताल कोई जाता है तो इसका जिंदा वापिस आना मुश्किल है। कोरोना मरीज दाखिल होते ही इनकी मौत हो रही है, क्योंकि मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही, ऐसा इनका कहना है। कादर घी वाले ने कहा कि सेहत महकमा के अफसर तो हिदायत देते हैं, पर ड्यूटी डॉक्टर्स इस पर अमल नहीं करते, जिससे सिविल अस्पताल की बदनामी हो रही है। जनाब सादिक इनामदार का कहना है कि बेलगाम जिला काफी बड़ा है, लिहाजा सुवर्ण सौदा को कोविड सेंटर बनाकर इलाज यहीं पर किया जाए, ताकि इलाज करने में आसानी होगी और मरीजों की जान भी बच जाएगी। इस वक्त कमेटी के दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। अब जहां भी जाते हैं कि कोरोना की ही खबर आपको सुनने को मिलती है, लिहाजा
बार बार सलून दुकानों का कोरोना से बड़ा नुकसान तो हो रहा है, पर इसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब यह कारोबार भी ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर ही नहीं सकते। बाल काटना है या दाढ़ी करना है तो कस्टमर के रास्ते में आना ही पड़ता है। जब से कोरोना का दौर जारी है, सलून का कारोबार बिल्कुल ठप होने की कगार पर है। लोग सलून दुकानों का जाना ठीक नहीं समझ रहे, लिहाजा स्माइल फाउंडेशन की जानिब से बेलगाम शहर के कुछ दुकानों में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन मुफ्त बिठाई जा रही है, साथ में ग्लव्स मास्क भी दिए जा रहे हैं। स्माइल फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब सरफराज ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया कि सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन से बार-बार सलून की दुकानों में फिर से ग्राहक आ सकते हैं, इसलिए तकरीबन 10 दुकानों में यह मशीन मुफ्त बिठाई जा रही है। सलून दुकान के मालिकों ने भी यह ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन को बिठाने से स्माइल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोरोना आलमी वबा के चलते काफ़ी कम ग्राहक दुकानों पर आ रहे हैं, खासकर सलून दुकानों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम तमाम शुक्रगुजार हैं कि स्माइल फाउंडेशन ने सलून दुकानों की मुश्किलात को महसूस करते हुए सैनिटाइजर मशीन बिठाए। उम्मीद कर सकते हैं कि अब ग्राहक बिला खौफ दुकानों में आ सकते। वाकई स्माइल फाउंडेशन का यह इकदाम सराहनीय है। गोकाक और अतराफ में भी कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनज़र नेशनल पीस फोरम की जानिब से सैनिटाइजर मास्क और राशन किट को तकसीम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत फरमाई। सदर तंजीम सदाकत अली मकानदार के हाथों मास्क, सैनिटाइजर और राशन किट तकसीम किए गए। राष्ट्रीय अमन मंच के इस इकदाम को अवाम ने खूब सराहा, गलियों मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजर किया गया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बेलगाम शाख की जानिब से तुकाराम भावी दड्डी की मौत पर बेलगाम में खराज तहसीन इनकी श्रद्धांजलि पेश की गई। इस वक्त परशुराम शिंदे, हनुमंत अक्सीमनी, मोहतरमा दिलशाद तहसीलदार, राजू भजंतरी, महबूबुल्ला, श्रीकांत माड़ीवाले और नामदेव मौजूद रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।